नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का हमारे आनवी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने तो काजू या मावे की बर्फ़ी बहुत ही खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगफली की कतली, जो काजू और मावे की कतली को भी टक्कर देगी। ये मुंह में जाते ही घुल जाएगी और इसको खाकर कोई नहीं कह सकता कि इसे आपने मूँगफली से बनाई है। सब आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह सिर्फ दो चीज़ों से बनकर बनी है और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ट्राई करने के लिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए मूंगफली, जिसको कि हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप मूंगफली को अच्छे से साफ़ ज़रूर करें, जैसे ये मूंगफली में कोई कोई दाने ख़राब होते हैं या पिचके होते हैं तो उन्हें ज़रूर निकालें, क्योंकि ये हमारी रेसिपी का फ्लेवर ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है, ये लगभग 250 ग्राम है, तो इसे अच्छे साफ़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर ली है, अब हम इसमें मूंगफली को डालेंगे और इसे भुनेंगे। फ्रेंड्स इसे लगातार चलाते रहेंगे, मूंगफली को छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारी मूंगफली जल जाएगी, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे लगातार चलाते हुए। थोड़ी क्रंची हुई है कि नहीं तो हाथों से हम इसे मसल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो मूंगफली है वो थोड़ी क्रंची हो गई है और इसका छिलका जो है रगड़ने से आराम से निकल रहा है। इसका मतलब कि हमारी मूंगफली जो है वो भून चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी मूंगफली जो है वो ठंडी हो चुकी है, अब हम हाथों से इसे रगड़ कर इसका छिलका निकाल लेते हैं। ये बहुत ही इजी से इसका छिलका जो है वो निकल जाता है। आप चाहे तो किसी कॉटन कपड़े में रगड़ के इसे साफ़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से करके हम सारे मूंगफली के छिलकों को उतार लेंगे और इसका छिलका निकाल करके इसे साफ़ कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मूंगफली से सारे छिलके निकल चुके हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और हमारी मूंगफली भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम मिक्सर का जार लेंगे और उसमें मूंगफली के दाने को डालकर पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स इसको पीसते समय ध्यान रखिएगा कि इसे लगातार नहीं चलाना है, इसे हम रुक रुक के चलाएंगे। अगर हम इसे लगातार चलाएंगे तो इसमें से तेल निकलने लगेगा और ये चिपचिपा हो जाएगा, तो हमें इसका पाउडर ही चाहिए। तो इसलिए हम मिक्सर जार को ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन गया है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब अपने गैस को ऑन कर लिया है, इसमें हम फ्रेंड्स चीनी ऐड करेंगे। ये कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी है, यानी ये वज़न में 150 ग्राम की लगभग चीनी है और हमने मूंगफली लगभग 250 ग्राम लिया था, तो हम चीनी जो है वो मूंगफली का 3/4 लेंगे, नहीं तो हमारी कतली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, तो जितना हमने चीनी लिया था हमें उतना पानी भी इसमें डाल लेना है। अब हम इसको चलाते रहेंगे जिससे हमारी चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस हमें चीनी को जो है वो पानी में घुलाना है। तो अब चीनी जो है वो पानी में घुल गई है और ये बॉयल भी हो रहा है, तो अब हम इसमें मूंगफली का पाउडर है वो डालेंगे। फ्रेंड्स हमें पाउडर को एक साथ नहीं डालना है, इसे एक हाथ से डालते रहना है और दूसरे हाथ से चलाते रहना है, नहीं तो हमारे जो पाउडर है उसकी गुठलियाँ पड़ जाएंगी और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो एकदम लो रखेंगे, नहीं तो ये जलने भी लगेगा। तो ऐसे ही हम इसको डालेंगे। आप देख रहे हैं कि हम इसे कंटिन्यू चला रहे हैं, तो इसी तरीके से हमको इसे चलाना है। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है, तो हम अब गैस का फ्लेम जो है
वो मीडियम कर सकते हैं या फिर आप हाई भी कर सकते हैं, बस आप इसे सावधानी से बनाइएगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये अब सूखी हो रही है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, जिससे कि हमारी कतली जो है वो चिपचिपी नहीं होगी और ये कई दिनों तक सॉफ्ट बनी रहेगी। तो इसके बाद हम फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। आप चाहे तो इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एकदम से सूख चुकी है और ये कतली जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको ये ना समझ में आए कि ये जमने के लिए तैयार है कि नहीं, तो आप इसे थोड़ी सी किसी प्लेट में निकाल लीजिए और इसे ठंडा करके देखिए कि अगर ये रोल बन जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो कतली या बर्फ़ी है वो जमने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसे जमाते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेट लिया है। अब हम इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो इसमें चिपके नहीं और ये आसानी से प्लेट में निकल जाए। तो अब मैं प्लेट को इसमें फैला देती हूँ अच्छे से चारों तरफ से इसे चपटा करते हुए। आप जिस भी चाहे उस थिकनेस में इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये पतले फॉर्म में चाहिए तो आप किसी बड़े बर्तन में इसको जमा लीजिए और इसे अब हम कुछ देर तक ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारी बर्फ़ी है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे चाकू से काट लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली की जो बर्फ़ी है वो बनके तैयार हो गई है। आप इसे जब मन तब खा सकते हैं या फिर आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है तो आप बिना खर्चे के कम खर्च में आसानी से मात्र 10 मिनट में मूंगफली की बर्फ़ी बनाकर खाइए। आप इसे कई दिनों तक स्टोर भी कर सकती हैं, बस इसे आप फ्रिज में मत रखिएगा नहीं तो ये चिपचिपी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।